उसके बाद ताजा ताजा वीडियो कॉन वाले भाई साहब, एयरसेल वाले भाई साहब, अरे लाखों करोड़ रुपया खा के ने और जहाज में चढ़ा के नावे है नु पाछे थापी लगा के ने, मोदी साहब आप चलिए हम भी आ रहे हैं, इसका तो काम ही यो है, इसने बारी बार रहना है। अरे उस टाइम पे जब किसान इनने कह दे है कि जेटली साहब भाव बढ़ाओ, मर गए हम तो, उस किसान ने क्या कहेंगे, ये तो पाकिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है। अरे तमीनू ना भूलो, वो जो सीमा पे जवान खड़े हैं ना, वो मारे भाई हैं और इसे किसान के बेटे हैं। जिस दिन हम पाकिस्तान का गट अटके ना भाई साहब, तेरा नाम लेवा नहीं मिलना। डोकलाम की घटना भूल गए के, जिस टाइम पर चीन किसे नन मना कर दिया था कि पाछे नहीं हटेंगे, उस टाइम पर कौन सी रेजिमेंट भेजी गई थी, सिर्फ जाट रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट भेजी गई थी। और निर्मला सीतारमन जो रक्षा मंत्री है, इसने कहा था कि जब तक जाट रेजिमेंट नहीं जाएगी मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि इसने भी उबेरा था अगर तनौड़े को बचा सके हैं तो यही वीर बांकुरे बचा सके हैं। रास्ता में किसान न मारन पर तुल गए, अरे तने उनके तो माथे टिक्के लाला और विदेश में भेज दो हो, और मारा कैथल का एक बुजुर्ग 96 साल का बुजुर्ग 50,000 रुपये उसने लिए बैंक पर थे सिंचाई खातर, पाइप दापण खातर, ट्यूबवेल लान खातर 2005 में 50,000 रुपये कर्जा उठाया बैंक था उसने। और 2016-17 के अंदर इनकी सरकार ने 4 साल की तो सजा सुना दी मारे बुजुर्ग तक, और 4.5 लाख रुपये बोला उल्टे देने हैं, और साथ में क्या कहे है कि हरियाणा में 1,800 रुपये बुढ़ापा पेंशन मिला है, साथ में कहे है कि यह बुढ़ापा पेंशन में तो काट लो इसके रुपये। अरे वो तारा जो जमाई बिठा रखा था हमने किंग फिशर वाला विजय माल्या, उसकी दारू की बोतला में तो काट लो ना रुपये, उसकी तो दारू की बोतल आज भी तमें बिकवाण लग रहे हो, और मारे बुजुर्ग की तमने 1,800 रुपये पेंशन दुखण लगी रे मोदी। यो वक्त जो है ना, आज का जो वक्त है, कौन कहे भगत सिंह मर गया रे, वो मदसौर के मेरे भाई जो खिलाफ खड़े हो गए थे जुलम के, वो भगत सिंह थे, वो हरियाणा के मेरे भाई जो खिलाफ खड़े हो गए थे जुलम के, वो भगत सिंह थे। लेकिन ये हमने है ना बार 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 बांटन की साजिश करें। लाहौर के अंदर जिस टाइम पर चौधरी छोटू राम ने मोहम्मद अली जिन्ना लाहौर के अंदर जिस टाइम पे चौधरी साहब ने मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू को यह कह दिया था कि पंजाब बटने नहीं दूंगा, तो उस वक्त पर चौधरी साहब का सबसे ज्यादा साथ दिया मुसलमाना ने, और इन 1947 में भाई के हाथे भाई मरवा दिए, 1984 में भूलेंगे नहीं हम, 1984 में इन भाई के हाथों भाई मरवाए, 2016 में फिर भाई के हाथों भाई मरवाए, फिर मदसौर में भाई के हाथों भाई मरवाए, अंग्रेज चले गए लेकिन बांटो राज करो की नीति आज भी इस देश में। इस देश का किसान, इस देश का जवान बका बका मार दिया, कितने भी खड़े हो जाए हैं हर के गवे हैं जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, डर तू जय जवान, अरे भूखे मर गया हमें तारा जय जवान हो रहा है यार। हमने तो जो चीज चाहिए वो चीज है, कैसे जिए जवान और कैसे जिए किसान, तो भाई हमने तो नू बता दो जिए जवान और जिए किसान। ये जो लूट है ना ये 1992 में शुरू हुई थी, मेरे पे मैं कई जगह जाऊं हूं, मेरे पे लोग पूछे हैं अगर देव लोहान तुम यार इतने बड़े जमींदार हो, तारा खेती है, तारा पैदावार है, हमें फिर भी गरीब किस तरह रह गए भाई, यो बड़ा एक षड्यंत्र है, बड़ी साजिश है, समझने की बात है। ठीक है, इसमें समझने की बात क्या है कि मैं महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र में अनार के किसान थे, उन अनार के किसान ने तो मैंने पूछा कि चोरी साहब अनार क्या रेट है, बोला भाई 10 रुपये किलो। मैं हैरान, मैं कह रहा हमारा तो 100 रुपये किलो तक अनार नहीं मिलता, बोला भाई साहब हमारा 15 रुपये का फालतू बिकता कौन नहीं, तो फिर 85 रुपया कौन खा गया, तो हमें गेहूं बो हो सारे, गेहूं का रेट के है 20 रुपये किलो, और गेहूं ने पीसते ही उसका आटा उसका चून बढ़ते ही के रेट है 35 रुपये किलो, शक्ति भोग आटा 35 रुपये किलो। अरे जिस आदमी ने जिस किसान ने अपना गेहूं बड़का की तरिया पाया,
छह महीने कर जगह ला के रखा, उस तक तो तमे दे हो 20 रुपये, और जिस आदमी ने एक बार चाकी में गेड़ के न रगड़ दिया उस तक तमे दे हो 35 रुपये। अरे इससे बड़ी लूट कड़िया दुनिया में लूट नहीं है। अरे जब तक तारे घर में लहसुन रवेगा, जब तक तारे घर में प्याज रवेंगे, जब तक तारे घर में टमाटर रवेगा, जब तक तारे घर में आलू रवेगा, कैरेट रवेगा, आलू का 2 रुपये 1 रुपया, और मंडी में जाते के कहेंगे बेचना हो तो बेच दो, नहीं तो रोड पे फेंक दो। और हमें रोड पे फेंकांगे तो आपका मध्य प्रदेश में एक कलेक्टर ने केस कर दिया किसान पे कि रोड पे आलू फेंक रहे हैं, तो अपना घर रखवा ले, मारे घर तो जगह कौन है कलेक्टर साहब, तू रखवा ले अपने घर, केस कर दिया उसके ऊपर। लेकिन गजब की बात देखो, चमत्कार जादू मंत्र टोना टोटका, जैसे ही किसान के घर तक फसल खत्म, फसल का रेट 40 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, और 100 रुपये किलो। उन लुटेरों का कोई न्यू पूछने वाला को नहीं। अगर रही 2 रुपये किलो के टमाटर, एकदम तो तमने के सोने में जड़ दिए जो एकदम तो 100 रुपये किलो हो गए। अगर जड़े भी हैं तमने, अगर तमने जड़ भी दिए तो बुए तो मारे घर में है, हमने भी तो हिस्सा दे दो, मारा तो एक तमें जो हमने तो रुला दो हो। और इन्हें टमाटर ने इसे आलू ने रंग बिरंगे लिफाफे में बंद करते हैं, एक आलू में तो 4 लिफाफे बनाते हैं और बाकी भरते हैं ऑक्सीजन दम लिफाफे के अंदर, इतना मोटा लिफाफा बनाते हैं और 10 रुपये का एक आलू बेचते हैं। बताओ भाई, इससे ज्यादा लूट के होगी? अरे किसान तो मरना ही मरना था, जवान तो मरना ही मरना था, क्योंकि इन्होंने लूट का ही संग बना दिया। और क्यों मरण लग रहा भाई अपा, यह चीज भी सोचने की है, क्योंकि हम एक नहीं हो पाते। तू फलाना सिंह, तू फलाना सिंह, अरे कोई फलाना सिंह सांग को नहीं। दो जातियां हैं इस देश के अंदर, एक कमेरी जाति और एक लुटेरी जाति। और हमें फक्र है कि हम जाट कमेरी जाति से आते हैं। और एक चीज और लिख लियो कि हर कमेरी जाति के ऊपर जब जब जुल्म होया ना, सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं इस दुनिया में, उस टाइम पर जाट उठा है। दो फिल्म आने लग रही है, एक तो दिलजीत की आने लग रही है सज्जन सिंह रंगरूट, एक आने लग रही हमारे गिप्पी गरेवाल की। दोनों फिल्मों में विश्व युद्ध दूसरा और 1965 की लड़ाई में न्यू दिखाया गया कि जाटा ने कड़कड़ झंडे गाड़े। तो मैं आज इस धरती पर एक चीज आपने कहना चाहूं, अपने उरे भी के है, तू तो मारवाड़ी है, तू तो मेवाड़ी है, तू तो डंडोड़ी डुंडवाड़ी है, ठीक है डुंडाड़ा है। अरे के डुंडाड़ा है यो भाई, तारा खून मारा खून, मारे खून में तारा खून। मैं हरियाणा का आया, मामे भी राजस्थान तक गए थे, मेरा परिवार मैं प्रवास तक गया था। अरे हमें लड़न लगी जा, हाँ तू डुंडेड़ा तू मेवाड़ा और तो फिर राजवाड़ा हो भाई साहब, हम सिर्फ एक हैं। और जब हम ये बात समझ जाएंगे ना, और जब हम खेत के बेटे और रेत के बेटे को सत्ता देना शुरू कर देंगे ना, ये राजे महाराजाओं की संतान हमारे काम की नहीं है। हमने एक आदमी पैदा करा राजस्थान के अंदर, वो अन्नदाता राम का अनुमान बन गया, और आज राजस्थान के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो किसान कबेरे के ऊपर आंख उठाते। कौन समझे? अनुमान बेलीवाल। अनुमान जो है इसे अनुमान, आपका यहाँ जाखड़ साहब बैठे, गोरा साहब बैठे, सिरोही साहब बैठे, अरे मध्य प्रदेश के मेरे भाइयों, तुम्हें तो शेर हो शेर, हिरना तक तो तुम्हें एक बार गुरकी दे दोगे ये सारी हिरण भाग जाएंगी। तुम्हें अपना अनुमान बना लो, और यह जो पापिया ने लंका बना रखी है नी भोपाल में, हमने अपना अनुमान भेजा जयपुर में, उसने जाते ही ताड़का पीट दी, उसने ताड़का का से मारा ताड़का हमने भेज दी घर। एक तमन्ना यो तारे की एक यो बिठा रखा मरीच, इस मरीच ने तो हमें पीट लियो, और जब तक तो हमें अपने बेटा ने नहीं भेजोगे नहीं लंका टूटने, तो हमें एक बार यह भोपाल वाली लंका तोड़वा दो, दिल्ली वाली लंका के तो चारों तरफ हम बैठे हैं भाई, और मारा तो बाहर कोई चीज नहीं दिल्ली में, जब हमें खड़े होवांगे नहीं तो संसद भवन के दरवाजे ही ले हैं। हरियाणा पंजाब यूपी राजस्थान मध्य प्रदेश जिस दिन खड़ा हो गया ने, हम इन शहरों में तो सारा संग पाड़ के ने और गामा में लगा देंगे, लेकिन उस खातर हमने भूलनी पड़ेंगे सारी चीज। अब भगत सिंह के भगत बनना पड़ेगा, और भगत सिंह जो था वो सिर्फ दो ही चीजों का प्यार किया करता भाई, एक जवान था और एक किसान था।
जब भगत सिंह ना पढ़ांगे नहीं तो अपन पता लगेगा कि दो ही चीजों से प्यार किया करता भगत सिंह, एक जवान और एक किसान। और आज आप सबकी जिम्मेदारी बने है कि अरे बचा लियो मरता किसान, बचा लियो मरता जवान, नहीं तो बचना नहीं हो हिंदुस्तान। अंत में मैं अंत नहीं अंत में मैं शुरुआत करूंगा, और कोई शरीर तो बुजुर्ग नहीं होया करते रही, 65 साल के हमारे तो कह करें कि जाटर घोड़ा बूढ़ा नहीं होया करता, जाटर घोड़े ने खुराक मिलनी चाहिए, वो मजबूत बना रहोगा। तो आपके अंदर जितनी हिम्मत है, आखिर में देखो वीर तेजा जी जो थे हमारे दुनिया के पहले कृषि के साइंटिस्ट हुए हैं, मैं अगर वो नहीं होते भाई साहब तो आज हमारे यहाँ पे ये सभ्यता नहीं होती। उस आदमी ने हल बनाया, उस आदमी ने जुआ बनाया, उस आदमी ने हमारे तक खेती करना सिखाया, और जब खेती करनी हमने आ गई तो उस टाइम पे ये शामियाने लगने शुरू हुए, ये टेंट सजने शुरू हुए, ये मंच सजने शुरू हुए, क्योंकि पेट में रोटी आ गई, भूखे पेट भजन ना हो। अगर हमने वीर तेजा जी खेती करना नहीं सिखाते तो भाई महाराज भजन नहीं होने थे। और वही वीर तेजा जी हरियाणा में पूछा जाता है, वही वीर तेजा जी, वही पाखंड विरोधी तेजा जी राजस्थान में पूछा जाता है, और वही पाखंड विरोधी तेजा जी आपके मध्य प्रदेश में पूछा जाता है। अरे तो हम न्यारे किस तरह होंगे। और उसी सत्यवादी, उसी पाखंड विरोधी वीर तेजा जी को आज आराध्य मान के भाई भगत सिंह संधू की मूर्ति के सामने खड़ा हो कहने, मैं उस हर जुलमी सरकार को, मैं उस सत्ता के अंदर केंद्र में बैठे मोदी को, हमारे शिवराज चौहान को, मनोहर लाल खट्टर को, या इससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें रही उन सबको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर ये तुमने देश बचाना है ना तो इस किसान ने जीण दो, क्योंकि जिस दिन ये किसान खड़ा हो गया ना, जिस दिन इस किसान भोले भंडारी ने तीसरी आंख खोल दी, भाई साहब सिर्फ परले होएगी, सिर्फ परले होएगी, कुछ और बचेगा नहीं। आखिर में आपने मेरे तक अंत नहीं शुरुआत करेंगे, मैं कहूंगा आवाज दो और आप सबने कहना है हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। जय समाज, जय कमेरा, जय योद्धे। आप सबने मेरे को सुना भाई, बहुत जिंदाबाद, 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 बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत